नारायण का नाम लिया करो, भगवान की भक्ति में लग जाओ अभी से। सब बच्चों ने कहा क्या बात कर रहे हो प्रहलाद जी, ये सब तो आउट ऑफ सिलेबस बातें बता रहे हो आप, कैसी बात कर रहे हो? अभी तो हमारे खेलने के दिन है, हमारे खाने के दिन है, हमारे मस्ती करने के दिन है। जब तक कुशल है शरीर में, जब तक क्षेम है शरीर में, तब तक भगवान की भक्ति में लग जाओ। एक बार की घटना है, ध्यान दीजिएगा भाई। एक बात बताइए, स्कूल में जब बच्चा पढ़ने जाता है, खूब बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं तो क्लास में एक मॉनिटर भी होता है, हर क्लास में होता है कि नहीं होता मॉनिटर? होता है। तो क्लास का मॉनिटर कौन होता है? दो ही लोग हो सकते हैं क्लास के मॉनिटर, समझिए मेरी बात को। पहला तो क्लास का मॉनिटर होगा जो क्लास में टॉप करता है, जो फर्स्ट आता है क्लास में, या तो वो क्लास का मॉनिटर होगा, और या मान लो कि स्कूल के मालिक का ही लड़का पढ़ रहा हो क्लास में, जिसने स्कूल बनाया है, तो उसके लड़के को भी मॉनिटर का ही बिल्कुल पद मिलेगा, भैया मालिक का लड़का है वो। तो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद जी, मालिक का स्कूल था, मॉनिटर प्रहलाद जी थे। अच्छा, मॉनिटर का क्या काम होता है? जब क्लास में टीचर ना हो तो बच्चे शैतानी ना करें, देखना बच्चे होमवर्क करते रहे, क्लास वर्क करते रहे, देखना इधर से उधर ना जाएं, देखना, यही तो मॉनिटर का काम होता है। अब एक बार शुक्राचार्य जी महाराज को कहीं जाना पड़ा, तो उन्होंने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद तुम बच्चों को देखना, कोई शैतानी ना करे। अब तो प्रहलाद जी को अवसर मिल गया। अब सारे बच्चों को देख करके प्रहलाद जी ने कहा, भैया ऐसा है, भगवान का नाम लिया करो, नारायण का नाम लिया करो, भगवान की भक्ति में लग जाओ अभी से। सब बच्चों ने कहा क्या बात कर रहे हो प्रहलाद जी, ये सब तो आउट ऑफ सिलेबस बातें बता रहे हो आप, हमारे कोर्स में तो ये सब है ही नहीं, आप कहना क्या चाहते हो, ठीक ठीक तो बताओ। प्रहलाद जी ने कहा ऐसा है भैया, कौमार आचरेत प्रयागो धर्मान भागवता नहीं, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। जब तक ये कौमार अवस्था है ना, तब तक भगवत प्राप्ति में लग जाओ, क्योंकि पहले तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है और दूसरा अध्रुव है, माने क्षण भंगुर है, कब चले जाओगे पता नहीं। अगर ये सोचते हो बुजुर्ग होने के बाद भगवान की भक्ति करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, अभी से भगवान की भक्ति में लग जाओ। तो सबने कहा कैसी बात कर रहे हो प्रहलाद जी, जैसे बच्चे लोग कहेंगे ही कहेंगे, कैसी बात कर रहे हो? अभी तो हमारे खेलने के दिन है, हमारे खाने के दिन है, हमारे मस्ती करने के दिन है। प्रहलाद जी ने कहा देखो भैया, ये खेलना खाना मस्ती करना ये तो सारी योनियों को प्राप्त है, चाहे कुकर सुकर भी क्यों ना हो, वो भी अपना भोग भोगता है। सुखमैन्द्रिय कम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवाद्यता दुखमयत्नतः। अरे चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, चाहे मनुष्य हो, सुख दुख सबको उनके भाग्य से प्राप्त होता ही होता है, चाहे आप चाहो या ना चाहो, दुख भी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि चाहते तो सब सुख है, लेकिन दुख मिलता है कि नहीं मिलता? तो जब बिना चाहे दुख मिलता है तो बिना चाहे सुख भी मिलेगा, बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। तो हमें क्या करना है प्रहलाद जी ने कहा, आपको क्या करना है, क्या सुंदर बात कह रहे हैं, ततो यतेत कुशलाहा क्षेमाय भयमाश्रित शरीरम पौरुषम यावन विपदेत पुष्कलम। जब तक कुशल है शरीर में, जब तक क्षेम है शरीर में, तब तक भगवान की भक्ति में लग जाओ। थोड़ा सा सूत्र में समझिएगा, बुजुर्ग होने के बाद कई लोगों के मुख से मैं सुनता हूं, स्वामी जी प्रयाग आने का बड़ा मन करता है, महाकाल आने का बड़ा मन करता है, लेकिन क्या बताएं अब घुटने साथ नहीं देते, क्या बताएं अब शरीर साथ नहीं देता। जब शरीर स्वस्थ था तब आपने ये सब नहीं किया, और जब शरीर बिगड़ गया तब मन जो चाह रहा है वो कर नहीं पा रहे। तो जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक लाभ कमा लो, बाद में पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। और जो लोग ये सोचते हैं ना, बहुत सारा समय है, बच्चों ने कहा प्रहलाद जी अभी तो बहुत समय है, देख लेंगे ये सब भी कर लेंगे। प्रहलाद जी ने कहा अच्छा कितना समय है बताओ तो जरा, आप लोग भी जरा विचार करिए कितना समय है सबके पास,
प्रहलाद जी उपदेश दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मनुष्य की आदर्श आयु 100 वर्ष मानी गई है ना। आज के युग में तो कोई 100 वर्ष जी जाए तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग आशीर्वाद भी देते हैं तो क्या कहते हैं, जीवेत शरदः शतम, 100 वर्ष जियो। ऐसे मान लो किसी को याद कर रहे हैं, वो प्रकट हो जाए तो क्या कहते हैं, अरे भैया 100 साल की उम्र है तुम्हारी, तुम्हारा नाम लिया और तुम आ गए। ये कौन सी बात हुई, 100 साल की तो आयु होती है मनुष्य की। ये कहो तुम कि 1000 साल की उम्र है तुम्हारी तो समझ में आए, 100 साल को तो मिला ही है मनुष्य को, ये क्यों कहा। इसका मतलब है कि 100 साल की आयु थोड़ी रह गई है, कम हो गई है। लेकिन मान लो हम 100 साल की मान ले मनुष्य की आयु ना, तो समय कितना है हमारे पास, 100 साल थोड़ी है, क्योंकि उसमें से 50 साल काट दो सीधे सीधे रात के, सोने के कट गए 50 साल के ना, अब बचे 50 साल। उस 50 साल में 20 वर्ष तो काट दो जब मनुष्य को यह मालूम ही नहीं है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है उसे मालूम ही नहीं है। युवावस्था में थोड़ी उसे अपना हित और अनहित मालूम है, 20 वर्ष तो समझ ही नहीं आता। और जो अंतिम के 20 वर्ष हैं, जब उसे समझ में आता है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, तब वो करने लायक नहीं रहता। अर्थात जब करने लायक रहता है तब वो विवेक नहीं रहता, जब विवेक रहता है तब करने लायक नहीं रहता। बचे बीच के 10 वर्ष, और उस 10 वर्षों में कभी ना समाप्त होने वाली अनेक मनोकामनाएं, अनेक मनोरथ ना, कुछ समय बचा, आप बताओ। अगर कुछ समय बचता भी तो कलयुग का जो चरण आया है ना, अब सारा समय बचा कुचा क्या ले लेता है, घर में माताओं बंधुओं ले लेता है कि नहीं ले लेता, बताओ। सबसे ज्यादा समय यदि आज घर में किसी का जाता है तो वही छोटे से 6 इंच के मशीन पर, सुबह से लेकर शाम तक ना भजन करने की फुर्सत, ना भगवान को याद करने की, अरे परिवार को याद करने की फुर्सत नहीं, तो कहाँ बचा समय। ये मैंने 100 वर्ष की बात की, उसमें तो समय है नहीं, तो जो 40, 50, 60 में चले जाएंगे उनके पास क्या समय है, बताओ। तो प्रहलाद जी ने कहा भगवान की भक्ति कर लो। अब तो सारे जितने बच्चे थे वो भगवान की भक्ति में लगने लग गए। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा हिरण्यकश्यप से आके, राजन वो तो हमने प्रहलाद जी को सुधारने के लिए गुरुकुल बुलाया था, उसने उल्टा सारे जो बच्चे हैं उनको और अलग बिगाड़ दिया अकेले, नहीं हमारे बस का नहीं है प्रहलाद।